मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से है, जहां एसआई राजेंद्र मालविया ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिससे परेशान होकर एसआई ने जहर खा लिया था, जिसको लेकर पीड़ित की शिकायत पर एसआई राजेंद्र मालविया को ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला गीता मेवाड़ पर धारा 384 के तहत करणवाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन उस समय महिला की थाने पे जमानत हो गई थी, लेकिन अब एएसआई की मौत के बाद मामले में धारा मेडिकल रिपोर्ट आने पर धारा बढ़ाते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। आत्महत्या करने से पहले उनका गाना गाते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। जो बीत गया है वो अब दूर न आएगा, जो बीत गया है वो अब दूर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा, जो बीत गया है वो अब दूर न आएगा, तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए काश कोई साथ ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दूर न आएगा। आज हमारे पुलिस परिवार को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारे बीच से एएसआई राजेंद्र मालवी जी वो नहीं रहे। कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ परिस्थितियों के चलते सल्फाज लिया था, इसके बाद उनको लगातार इलाज कराया गया, परंतु बीच में उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ, परंतु अब वो नहीं रहे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, सभी को अपने साथ में लेकर चलते थे। ये हम सभी के लिए एक व्यक्तिगत क्षति और दुख का समय है। उनके बयान के आधार पर एक महिला के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अभी उनका पीएम रिपोर्ट प्राप्त करके और भी जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। मध्य प्रदेश से गोविंद सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।